राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और अग्निपथ स्कीम के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। कांग्रेस पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने उस वक्त पुलिस कर्मियों पर थूक दिया जब उन्हें प्रदर्शन करने से रोका जा रहा था और उनको गाड़ी में बैठाया जा रहा था। कांग्रेस पार्टी महिला मोर्चा अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने शर्मसार करने वाली हरकत करी है। दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद नेटा डिसूजा ने पुलिस कर्मियों पर थूक दिया, वहीं उनकी ये हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि प्रदर्शन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सुरक्षा बल के जवान एक बस में भरकर प्रदर्शन स्थल से दूर ले जा रहे थे, तभी नेटा डिसूजा पुलिस कर्मियों पर थूकती नजर आई। कांग्रेस नेता की इस हरकत ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को शर्मसार कर दिया है, और फिर भी कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली पुलिस मोदी सरकार के इशारे पर उनको लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने से रोक रही है। कई नेताओं ने दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।